दोस्तों, अगर आप यूपी के वृद्धावस्था पेंशनर्स या निराश्रित महिला पेंशनर्स या दिव्यांग कुष्ठ अवस्था पेंशनर्स हैं, तो आपका जो है पेंशन का पैसा कब तक जो है पीएफएमएस पोर्टल पर जो है अपडेट होगा, कब तक जो है पीएफएमएस पोर्टल पर जो है बेनिफिशियरी बनाई जाएगी, मैं आपको ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। और आपका पेंशन का पैसा कब तक आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है, तो आप ये सब जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी से हमेशा बना के लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी सभी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पैसा आने वाला है, और अभी तक जो है पीएफएमएस पोर्टल पर जो है आपका पेंशन का पेमेंट का स्टेटस अभी तक जो है नहीं बनाया गया है, बेनिफिशियरी स्टेटस में नहीं शो हो रहा है, आपका स्टेटस अभी तक पीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। तो कब तक जो है पेमेंट का स्टेटस अपडेट किया जाएगा, कब तक जो है शो होगा? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अभी जो है आपका वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का जो है अभी सत्यापन कार्य ही हो रहा है, और जब तक जो है सत्यापन कार होगा तब तक जो है बेनिफिशियरी अपडेट नहीं होगा, बेनिफिशियरी पीएफएमएस पोर्टल पर नहीं बनाई जाएगी। जैसा कि अभी जो है सभी का आधार कार्ड, ईकेवाईसी, डीबीटी, एनपीसीआई ही एक्टिव नहीं हो पाया है, तो उन लोगों का जो है अभी आधार कार्ड सत्यापन हो रहा है, और इसीलिए जो है अभी पेंशन का पैसा भी सभी के खाते में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसा कि योगी सरकार का निर्णय है कि अब की बार जो है लगभग सबका जो है पेंशन का पैसा सभी के खाते में ट्रांसफर होना चाहिए, तो अभी जो है बेनिफिशियरी बनाई जा रही है। लगभग 30 जून तक जो है सभी का जो है पीएफएमएस पोर्टल पर जो है बेनिफिशियरी बन जाएगी। और आपका पेंशन का पैसा कब तक जो है आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में श्योरली ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि 17 जून से जो है लेकर के आपको 30 जून तक जो है पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। तो दोस्तों, अभी जो है सभी का सत्यापन कार्य हो रहा है, और आपका पेंशन का पैसा 30 जून तक जो है बेनिफिशियरी अपडेट हो जाएगा, और आपका पेंशन का पैसा 1 जुलाई से लेकर के जो है 15 जुलाई तक जो है आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और कितना जो है आपका पेंशन का पैसा अब की बार आपके खाते में आने वाला है, जैसा कि 1000 रुपया अब की बार जो है 1000 रुपया हर महीना, और 3000 रुपया आपको तीसरे महीना आपके पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी जो है पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है, अभी जो है आपको 1000 रुपया ही दिया जाएगा पेंशन का। और जब जो है पेंशन का पैसा बढ़ाया जाएगा, जब जो है 1500 रुपया मंथली और 45 रुपया तीसरे महीना आपको दिया जाएगा, तब जो है उसके लिए जो है पर्सनल वीडियो में आपके लिए बना के ले आऊंगा कि अब जो है आपको पेंशन का पैसा बढ़ के मिलने वाला है। तो अब की बार जो है पेंशन का पैसा बढ़ के नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 3000 रुपया आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है, और तक जो है ट्रांसफर होने वाला है। मैं अभी आपको बता ही दिया कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपके खाते में पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।